आईटी इंडस्ट्री नहीं आने की एक वजह यह है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या रिलेटिवली कम है। तो जब तक आपकी हमारी शिक्षा व्यवस्था से हजारों लोग अंग्रेजी में बोलने वाले निकलेंगे नहीं, तो आपके पास आईटी इंडस्ट्री आएगा कैसे? वो तो इतना ही होगा कि जो बिहार के लड़के बेंगलोर में, हैदराबाद में या नोएडा में काम कर रहे हैं, वो बिहार में चले आएंगे। उससे नए बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। नए बिहार के बच्चों को तो आईटी में तब रोजगार मिलेगा जब उनको अंग्रेजी बोलने आएगा। तो बिहार के जो समृद्ध लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं, उसको बिहार में शिफ्ट करने से थोड़ी ना बिहार में गरीबी दूर होगी। उससे थोड़ा बल मिलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, उससे इकोनॉमिक गतिविधि को बल मिलेगा। लेकिन बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, जब तक उनकी मूलभूत शिक्षा और रोजगार के लिए स्किल और पूंजी नहीं दी जाएगी, तब तक बिहार में सुधार होने वाला नहीं है। जिन राज्यों में सुधार हुआ है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उन राज्यों में लोगों ने शिक्षा को सुधारा है। आप मुझे बताइए, अगर बिहार का आधा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, स्कूल में जाकर खिचड़ी खा रहा है, तो वो मजदूर नहीं बनेगा तो वो कलेक्टर कैसे बन जाएगा? देश में 20 लाख से ज्यादा पैरामेडिक्स और नर्सिंग के पोस्ट खाली है। अगर हम लोग नर्स यहाँ ट्रेन कर रहे होते तो उनको, वो बाहर भी जाते तो नर्सिंग का काम करते, लेकिन हम लोग तो उनको नर्स नहीं बना रहे हैं, उनको पैरामेडिक्स नहीं बना रहे हैं, हम लोग उनको मजदूर बना रहे हैं, तो जाकर बाहर मजदूरी कर रहा है।